एडमिशन ओपन नाउ माउंट एरा कॉन्वेंट स्कूल क्लास नर्सरी टू 8 इंग्लिश मीडियम बेस्ट फैकल्टीज मेंबर्स ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स आई केयर ट्रेंड टीचर्स मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर्स वैन फैकल्टीज अवेलेबल बिग प्लेग्राउंड पैडागॉजिकली डिजाइंड करिकुलम सीसीटीवी सर्वाइलेंस इन ऑल क्लासेस एड्रेस नियर यमुना प्रसाद शास्त्री मूक बधिर स्कूल तोपखाना रीवा मध्य प्रदेश। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। रीवा में लगातार लोगों को हिदायत देने के बाद भी नगर निगम में टैक्स न जमा करने के बाद नगर निगम ने सख्त कदम उठाया। नगर निगम आयुक्त द्वारा बड़े बकाया दरों की सूची अब सार्वजनिक रूप से चस्पा कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी से पूर्व मंत्री रहे रीवा राजघराने के महाराज पुष्पराज सिंह जूदेव का नाम इस सूची में शामिल कर दिया गया है। बता दें, पहले तो यह नाम केवल सूची में शामिल किया गया था, बाद में उन्हें नोटिस भी दिया गया। उक्त सूची को सार्वजनिक सूची में चस्पा कर दिया गया। सार्वजनिक सूची में रीवा महाराजाओं के वंशज का नाम होने से सब हैरान हैं। कई संपत्तियों के मालिक महाराजा के वंशज ने निगम का टैक्स ही नहीं जमा कराया है। आपको बता दें, महाराजा पुष्पराज सिंह की शहरी क्षेत्र में कई संपत्तियां हैं जिनके बदले उनको निगम को टैक्स का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन उनके द्वारा इसका भुगतान समय पर नहीं किया गया और वह बड़े बकायादारों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। महाराजा पुष्पराज सिंह पर अकेले वार्ड क्रमांक 17 की प्रॉपर्टी में 97,130 रुपए संपत्ति कर बकाया है। कहने को तो यह एक छोटी रकम महाराजा के लिए है, लेकिन इसका भी भुगतान वह अब तक नहीं कर पाए हैं। वार्ड के बड़े बकायेदारों की सूची में सबसे बड़े बकायेदार महाराजा पुष्पराज सिंह ही हैं। नगर निगम से जुड़े सूत्र बताते हैं कि शहर की अन्य प्रॉपर्टियों का टैक्स भी उनके द्वारा नहीं दिया गया। बता दें कि यह टैक्स कई दिनों से बकाया है। वहीं जब उनके द्वारा जमा नहीं किया गया तो निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने शहर में लगाई गई बड़े बकायेदारों की सूची में महाराजा पुष्पराज सिंह का नाम भी चस्पा करा दिया। बताते चलें कि महाराजा पुष्पराज सिंह के पुत्र दिव्यराज सिंह वर्तमान में सिरमौर विधायक हैं। राजघराने के साथ ही पुष्पराज सिंह वर्तमान में भाजपा में हैं, इसके पूर्व कांग्रेस एवं सपा में भी रह चुके हैं। वहीं पूर्व MIC सदस्य नीरज पटेल ने एक बड़ा चौड़ा नोट सोशल मीडिया में शेयर किया और लिखा कि रीवा राजघराने के मुखिया और प्रदेश सरकार के मंत्री रह चुके पुष्पराज सिंह का जिस प्रकार नाम नगर निगम के द्वारा सार्वजनिक किया गया है, वह उनकी छवि के अनुरूप नहीं है। पूर्व MIC सदस्य ने नगर निगम की इस व्यवस्था का विरोध करते हुए निंदा की है और लिखा कि संपत्ति कर वसूलना जरूरी है, पर किसी को सार्वजनिक रूप से अपमानित करके नहीं। गौरतलब है कि नगर निगम के द्वारा इससे पहले भी शहर के विभिन्न बड़े चौराहों पर बड़े बकायादारों के नाम सार्वजनिक किए गए थे, चूंकि बकायादारों ने टैक्स नहीं भरे थे। एडमिशन ओपन नाउ माउंट एरा कॉन्वेंट स्कूल क्लास नर्सरी टू 8 इंग्लिश मीडियम बेस्ट फैकल्टीज मेंबर्स ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स आई केयर ट्रेंड टीचर्स मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर्स वैन फैकल्टीज अवेलेबल बिग प्लेग्राउंड पैडागॉजिकली डिजाइंड करिकुलम सीसीटीवी सर्वाइलेंस इन ऑल क्लासेस एड्रेस नियर यमुना प्रसाद शास्त्री मूक बधिर स्कूल तोपखाना रीवा मध्य प्रदेश।